As long as students how are you all hope you are in good health and in good mood today we are going to study fourth part of our lesson a visit to jammu and kashmir kashmir kashmiri people are famous for their handicrafts they do fine carving on wood they also make things with paper pulp they do a lot of work on silver vessels the blankets carpets and shawls of kashmir are famous all over the world तो बच्चों प्यारे बच्चों जो कश्मीर के लोग हम हम कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि वे विज़िट टू तो जम्मू एंड कश्मीर लेसन है पहले हमने जम्मू के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रास्ते में जो जम्मू को कनेक्ट करते हैं रास्ते कश्मीर के साथ उनके बारे में पढ़ा तो अब हम आज पढ़ेंगे कि कश्मीर के लोग जो है वो किस में मशहूर है वो अपने हेंडी के लिए बहुत मशहूर है वहाँ बहुत हाथों से काम होता है मतलब जैसे कि वो हाथों से फाइन कार्विंग और वूड करते हैं वो लकड़ी पे करते हैं काम तो एक तरह का वो कार्विंग उसको वुड कार्विंग बोलते हैं नक्श नगारी तो दे आल्सो मेक थिंग्स विद पेपर पल्प और वो आ, पेपर का जो पल्प होता है उसे भी चीज़ें बनाती हैं फिर उस पे वो पेपर माशी करते हैं दे डू ए लॉट ऑफ वर्क ऑन सिल्वर वेसल्स वो तांबे और जो चांदी के बर्तन होते हैं उन पे भी बहुत सारी नक्श निगारी करते हैं द ब्लैक एंडस कॉरपेट्स एंड शॉल्स ऑफ कश्मीर आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड कश्मीर के कम्बल कालीन और शॉल दुनिया भर में मशहूर है दुनिया भर में मशहूर है और क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है आ, ये मतलब आ, मतलब इनकी मिसाल दुनिया में बहुत कम मिलती है इतनी खूबसूरत और अलग और उम्दा चीज़ें होती हैं पीपल ऑफ़ दिस एरिया आर आल्सो इंटरेस्टेड टू म्यूज़िक एंड डांस कश्मीर के हिस्से के जो लोग हैं वो म्यूज़िक और डांस में भी रुचि रखते हैं दे आर रोह डांस इज़ वेरी पॉपुलर उनका जो लोक मतलब नाच है उसको बोलते हैं रोह वो एक तरह का उसमें वो गाते भी हैं और थोड़ा सा वो नाच नाच मतलब वो एक तरह का लोक नाच है द uh, वो फोक डांस जिसको हम बोल सकते हैं द कश्मीर वैली इज़ थी पॉपुलेट कश्मीर की जो वैली है वहाँ गनी आबादी है मोस्ट ऑफ देर मुस्लिम और ज़्यादातर लोग मुस्लिम हैं देर आर हिंदूज़ एंड सिख्स टू वहाँ पे हिंदूज भी हैं सिख भी हैं पीपुल हियर स्पीक कश्मीरी उर्दू ऑल दिस पीपल लिव लाइक ब्रदर्स ईद शिवरात्रि गुरुपूर्ब एंड क्रिसमस आर दियर मैन फेस्टिवल वहाँ के लोग भाई बहनों की तरह रहते हैं ईद शिवरात्रि गुरुपुर और क्रिसमस उनके खास त्यौहार है दे सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल्स इन अ वेरी ग्रैंड मैनर और ये जो फेस्टिवल्स है त्यौहार हैं ये बहुत ही मतलब उम्दा तरीके से इनको मनाते हैं तो कश्मीर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी कश्मीर को अपनी खूबसूरती है जूरिंग समर द क्लाइमेट हेयर इज़ वेरी कूल एंड प्लीजेंट तो समर के मौसम में यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा और खुशगवार होता है इन विंटर देयर इज़ हैवी स्नोफॉल लेकिन जब स्नो होता है जब विंटर होता है तो वहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है पीपल प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स इन विंटर वहाँ के लोग जो है बहुत सारी गेम्स खेलते हैं पीपल ग्रो आमंडल्स पियर्स क्रिप्स पिट्स एंड सैफ्रन आल्सो कश्मीर के लोग जो हैं वहाँ पे सेब के साथ साथ पियर्स जो नशपाती है ग्रेप्स है पीट्स है और जाफरान जिसको सैफरान कहते हैं इंग्लिश में वो भी वहाँ पे ग्रो होता है तो थैंक्स आज हम पढ़ेंगे इतना